रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल के सेक्टर 3 स्थित एक कंपनी के सेफ्टी गोदाम में अलसुबह भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर विभाग ने सबसे पहले आसपास की कंपनी को खाली कराया और फिर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। आगजनी की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। बावल से सहायक अग्निशमन अधिकारी संजय ढिल्लो ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग पर 4 घंटे में काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अगर समय रहते फायर ब्रिगेड के कर्मचारी नहीं पहुंचते तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि आसपास कई बड़ी फैक्ट्री थी। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। आग बुझाने में 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची थी। सुरक्षा की दृष्टि से एक के बाद एक 12 गाड़ियां भेजी गई। जानकारी के अनुसार बावल के सेक्टर 3 में इंडस्ट्रियल सेफ्टी हाउस के नाम से गोदाम है। इसमें औद्योगिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान था। इसमें दस्ताने, सुरक्षा हेलमेट और अन्य सामान शामिल था। अलसुबह गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते हर तरफ धुआं फैल गया। आग की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत से 4 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। कंपनी में सेफ्टी किट से संबंधित प्लास्टिक सामग्री अधिक थी, जिसके कारण आग ने भीषण रूप ले लिया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग लगने का कारण क्या था। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। 3 में न एक सेफ्टी के आइटम का गोदाम है, जिसमें प्लास्टिक के ग्लोव्स वगैरह और जूते चप्पल जो सेफ्टी के आइटम वो उसमें एक आग लगी हुई थी। तो करीब ये 3:15 बजे का हमारे पास सूचना थी, तो यहाँ पे हमने करीब 1 दर्जन के करीब गाड़ियां यहाँ लगी हुई है और अब आग पे मतलब कंट्रोल है पूर्णतः। हल्का नुकसान है और बाकी की जो आजू बाजू की जो कंपनियां हैं उनको भी हमने सुरक्षित बचा लिया गया है। सिर्फ जिस कंपनी के अंदर आग लगी हुई थी उसी के गोदाम में नुकसान हुआ है, और वो भी काली सरफ जो सामान है, क्योंकि प्लास्टिक का सामान है, इसमें एक दफा आग पकड़ने के बाद में ना और काफी देर में बुझती, तो हमने इसमें एयरट्रैप्ड फोम का इस्तेमाल करके और अब ये आग जो है ये कंट्रोल में है। 463 तैनात आई थी, आग घिरी है सेक्टर 3 कंपनी है, उसमें आग भयंकर आग लग रही है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और उनके फायर ब्रिगेड का अधिकारी मौके पर, SHO मोबाइल कसोला। नुकसान नहीं है, माल का काफी नुकसान है जी। हमारे पास आई थी 4:40 पे कॉल आई थी, बाकी आग तो पहले से लग रही थी, 3 बजे से आग लगी हुई थी। जूता वगैरह ये बनते थे, सत्तों का सामान ये है।